सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु फाउंडेड द गदर पार्टी। सो गदर पार्टी 1913 में बनी थी। सो ये बनाई थी लाला हरदयाल ने। सो पिछले बैकग्राउंड में आपको मैं बता दूं कि लॉर्ड कजन की किलिंग के बाद, जिनको मदन लाल डिंगरा ने मार दिया था, तो उसकी किलिंग के बाद इंडियन हाउस के जितने भी मेंबर्स थे, जैसे लाला हरदयाल, वीर सावरकर, सो ये सभी आगे पीछे भागे थे। सो इंडियन हाउस के जो जिन्होंने इसे बनाया था, श्याम कृष्ण वर्मा जी, वो भी भागे थे। सो लाला हरदयाल भागे थे सैन फ्रांसिस्को। सो सैन फ्रांसिस्को में इन्होंने गदर पार्टी बनाई थी 1913 में। फर्स्ट हेड क्वार्टर था इसका और गस सैन फ्रांसिस्को यूएसए। लेकिन जब यूएसए और ब्रिटिशर्स के बीच में दे ज्वाइंड ईच अदर, सो आफ्टर दैट इन्होंने हेडक्वार्टर जो है वो बर्लिन जर्मनी में बना दिया था। सो जो आफ्टर यूएसए ज्वाइन सैन्स विद ब्रिटिश, सो दे शिफ्टेड देयर हेडक्वार्टर टू बर्लिन जर्मनी। सो गदर न्यूज़पेपर में इन्होंने, लाला हरदयाल जी का गदर न्यूज़पेपर था, उनकी टैगलाइन थी वहाँ, उन्होंने वो छापते थे, अंग्रेजी राज के दुश्मन, अंग्रेजी राज का दुश्मन। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी रिलीज विच न्यूज़पेपर। सो महात्मा गांधी जी के कौन कौन से न्यूज़पेपर हैं? इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, हरिजन एंड नवरत्न। सो 1903 में साउथ अफ्रीका में इन्होंने इंडियन ओपिनियन जो है ये हिंदी, इंग्लिश और तमिल में ये छापते थे। यंग इंडिया हिंदी और गुजराती में, हरिजन एंड नवातियन ये हिंदी, इंग्लिश और गुजराती में। सो ऑल ऑफ द ये सभी इनके न्यूज़पेपर हैं, हरिजन, यंग इंडिया एंड इंडियन ओपिनियन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द रोलेट एक्ट वाज आल्सो नोन एज। सो रोलेट एक्ट को वो क्या बोलते हैं? रोलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट भी बोलते हैं। सो क्यों बोलते हैं रोलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट, इसकी अब हम थोड़ी बैकग्राउंड जानेंगे। हुआ क्या था कि कई सारी ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ना, तो नेशनल मूवमेंट्स इंडिया में बहुत सारी बढ़ गई थी। ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देर वर मेनी नेशनल एक्टिविटीज, सो टू सप्रेस इट इन्होंने ये रोलेट एक्ट बनाया था 1919 में, 1919 में रोलेट एक्ट आया। इसके अंदर क्या था कि अंडर दिस एक्ट दे कैन अरेस्ट एनीवन, दे कैन सर्च एनीवन। सो ये कोई भी किसी को अरेस्ट कर सकते थे, किसी को इम्प्रिजन भी कर सकते थे विदाउट एनी ट्रायल। सो इसके एक्ट के, इस एक्ट को फिर ब्लैक एक्ट भी बोला था मोतीलाल नेहरू जी। इस एक्ट को बोलते हैं नो वकील नो बिल नो दलील, इसके नाम से ये जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी कब हुई थी? जलियांवाला बाग जो ट्रेजेडी है, सबसे बड़ा जिसको मानते हैं सभी, सबसे बड़ा ब्रिटिशर्स का हमारे ऊपर अत्याचार है, वो जलियांवाला बाग माना जाता है। इसमें लगभग कोई 1500 से 1600 व्यक्ति मारे गए थे, लेकिन जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है उसमें कमी बताते हैं, क्योंकि कोई नहीं बताया जाता कि हम कितने वो हैं गलत। उन्होंने ब्रिटिशर्स ने कोई 350 रिकॉर्ड में बताया, लेकिन असलियत में कोई वहाँ के एक जो सर्जन थे ना, उन्होंने ये बताया था कि कोई 1500 से 1600 के करीब लोग मारे गए थे इसमें जलियांवाला बाग में। तो जलियांवाला बाग हुआ था बैसाखी वाले दिन, ये आपको याद है, बैसाखी हर साल होती है 13 को, 13 अप्रैल को बैसाखी होती है। 13 अप्रैल 1919 में ये हुआ था। रोलेट एक्ट भी 1919 में आया था, और 1919 में ही ये सारा जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुई थी। और डे ऑफ बैसाखी इन अमृतसर में हुआ था ये। सो जलियांवाला बाग अमृतसर, ये गोल्डन टेंपल के नजदीक है, वहाँ जा सकते हो, देख सकते हो, वहाँ कई सारी बुलेट्स के निशान पड़े हैं। सो प्रोमिनेंट ब्रिटिश पर्सन वर मर्डर्ड इन पंजाब, क्या हुआ था कि ये क्यों हुआ था? एक कोई प्रोमिनेंट कोई पर्सनालिटी पंजाब की, ब्रिटिश पर्सन थे, उसकी उनकी क्या हुई थी, किलिंग हुई थी, मर्डर हो गया था। सो गवर्नर तब थे माइकल ओडायर थे, उस टाइम पे गवर्नर थे माइकल ओडायर। सो जनरल तो वहाँ ना एक मीटिंग रखी गई थी एक्चुअली जलियांवाला बाग में, तो गांधी जी कॉल्ड इट हिमालयन ब्लंडर। सो गांधी जी ने हिमालयन ब्लंडर कहा इसे। रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग जब हो गया था ये सारी ट्रेजेडी, उन्होंने अपना सर जो टाइटल वो सरेंडर कर दिया था। सो जनरल डायर ने क्या किया था कि वहाँ अंधाधुंध गोलियां दिलवा दी थी जलियांवाला बाग में। वहाँ मीटिंग थी किसकी, क्या बोलते हैं, रिवेंज लेने के लिए, इस प्रतिशोध लेने के लिए। प्रोमिनेंट ब्रिटिश की एक मर्डर हुआ था पंजाब में, उसकी बदले में उन्होंने जलियांवाला बाग में अंधाधुंध गोलियां चलवा करना कई सारे लोगों को मार दिया था, कई सारे लोग कुएं में कूद गए थे, वहाँ से भी लाशें निकली थी। सो आफ्टर दिस जलियांवाला बाग इंसिडेंट, उधम सिंह गए कैक्सटन हॉल, बैम मिनिस्टर कैक्सटन हॉल, बेस्ट मिनिस्टर लंडन में, और 13 मार्च 1940 में। सो 13 जो डेट है ना, ये आपने याद रखी है, 13 को ही उन्होंने किया था ये, और 13 को ही, 13 मार्च को ही इसको गोली मार दी थी उधम सिंह ने, जनरल डायर को, कैक्सटन हॉल में, बेस्ट मिनिस्टर लंडन। सो द उधम सिंह ऑल्सो हैंग टू दैट, ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड शहीद उधम सिंह। तो उधम सिंह जी को भी बाद में फांसी हो गई थी, लेकिन सल्यूट उधम सिंह जी को, जिन्होंने इस कितने बड़े मैस प्लेयर का बदला लिया। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च ऑन 1 अगस्त 1920 में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है ये लॉन्च हुई थी। खिलाफत रॉन्ग्स एंड पंजाब ग्रीवियंस क्यों हुई थी? ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है जलियांवाला बाग का, जो आफ्टर दिस ट्रेजेडी ना, तो गवर्नमेंट ने दो रिपोर्टें जारी की लोगों को, था कि ये इसके क्या बोलते हैं जलियांवाला बाग इंसिडेंट के हमारे लोगों के हित में ही रिपोर्ट को जारी करेंगे, लेकिन उन्होंने करती थी खिलाफ में। सो खिलाफत रॉन्ग्स एंड पंजाब ग्रीवियंसिस के खिलाफ दिस बिल्स वर अगेंस्ट द पब्लिक। सो इसी के ही अवज में इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च की थी 1 अगस्त 1920 में। सो ये याद रखो। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में यही था कि आपने कॉपरेट नहीं करना है, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं करनी, कोई इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना, कोई कुछ नहीं, मतलब कि स्वदेशी ही, मतलब कि विच इज बेनिफिट टू आर कंट्री, वही आपने काम करना, और जो भी जो हमारे ऊपर जिन्होंने राज किया उनका कोई बात नहीं माननी है, अंग्रेजों की बात नहीं माननी है, ब्रिटिश की कोई बात नहीं माननी है। सो कोई क्या बोलते हैं कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं करनी है। सो ये सारा इंक्लूड था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी सस्पेंडेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन। सो महात्मा गांधी ने बाद में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया था 12 फरवरी 1922 में। सो 1919 में ही नॉन कॉपरेशन 1 अगस्त 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को किया गया था लागू, लेकिन 12 फरवरी 1922 में कर दिया था इसे डिसमिस। क्यों किया था इसको डिसमिस? इसलिए किया था क्योंकि 22 पुलिसमैन को, ब्रिटिश पुलिसमैन को बर्न्ड अलाइव बाय द मॉब इन चोरा चोरी गोरखपुर यूपी में। चोरा चोरी गोरखपुर यूपी में 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया था मॉब ने। तो इसे बरदौली सेशन में क्या किया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कर दिया डिसमिस। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द स्वराज पार्टी? 1 जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। इसने किया था मोतीलाल नेहरू जी और सी आर दास ने, सी आर दास इसके चेयरमैन थे। तो नेक्स्ट हमारा साइमन कमीशन, साइमन कमीशन कब सेटअप हुई? 8 नवंबर 1927 में साइमन कमीशन बनाई गई थी अंडर द वाइसरॉयल्टी ऑफ इरविन। ये आपने याद रखा, इरविन के, इरविन तब थे वाइसरॉय। सो साइमन कमीशन बनाई गई थी, ऑल्सो नोन एज बाइडमैन कमीशन, ऑल 7 मेंबर्स वर ब्रिटिश। सो इसमें गो बैक साइमन का भी नारा लगा था। 3 फरवरी 1928 में इंडिया इंग्लैंड एक बनाया गया था मद्रास सेशन। एम ए अंसारी जो थे वो थे तब प्रेजिडेंट, वॉज इज दिस साइमन कमीशन।
सो गाइस जो साइमन कमीशन है ना, ये सेटअप तो हुआ था 8 नवंबर 1927 में, क्योंकि लंदन और इंडिया के बीच में ये सारा हेर फेर चलता रहता था। बनी ये कमीशन 8 नवंबर 1927 में लंदन में थी, लेकिन ये लैंड हुई अपनी इंडिया में 3 फरवरी 1928 में। अगर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया में कब ये कमीशन लैंड हुई थी, तो ये लैंड हुई थी 3 फरवरी 1928 में, 8 नवंबर 1927 में ये बनी थी लंदन में। सो साइमन कमीशन जो थी ना, इसमें ये अंडर था वायसराय इरविन थे, आल्सो नोन एज व्हाइटमैन कमीशन। 7 मेंबर्स वर ब्रिटिश, तो इसमें सारे मेंबर ब्रिटिश थे, कोई इंडियंस नहीं था, ये जाते थे इंडियंस में इंक्लूड हो गई, तभी ये पार्टी चली थी। फॉर द बेनिफिट ऑफ ब्रिटिश इन्होंने ये पार्टी नहीं थी। सो मद्रास सेशन में एम एन सारी जी ने पोस्ट किया था साइमन कमीशन को, सो वो बैक साइमन का नारा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट स्टार्टेड इन द ईयर 1930। सो 1930 में जो सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट चली थी, महात्मा गांधी इन्होंने 11 मांगे रखी थी, 11 मांगे रखी इरविन के आगे। तो इन्होंने फिर बाद में क्या किया था, दांडी मार्च किया था, साल किला ब्रेक किया था, साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ये मार्च चला था। सो जो गांधी जी ने 11 मांगे रखी थी इरविन के आगे, वो मांगे नहीं पूरी, तो फिर इन्होंने दांडी मार्च लाया था, साल किला ब्रेक का, साल किला साल्ट पर कई सारे टैक्सेस लगे थे, तो इन्होंने साबरमती आश्रम से दांडी पोस्ट तक इन्होंने चलाया था। 12 मार्च 1930 में साबरमती आश्रम से चले, 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी पोस्ट पर पहुंचे थे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन तंजोर कोस्ट हु ब्रेक द साल्ट ला। सो तंजोर पड़ता है तमिलनाडु में, यहाँ साल्ट ला किसने ब्रेक किया था, इसका आंसर है सी राजा गोपाल आचार्य। इन्हें कॉन्साइंस और कॉन्साइंस कीपर ऑफ गांधी भी बोला जाता है, और अब्दुल गफर खान को फ्रंटियर गांधी बोला जाता है। और साथ में सूर्य सियान ने चित्तागोंग बांग्लादेश में साल्ट ला को तोड़ा था, और जो है अब्दुल गफर खान ये फ्रंटियर गांधी भी इन्हें बोला जाता है। इन्होंने पेशावर से साल्ट ला ब्रेक किया था, केला से साल्ट ला को ब्रेक किया। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड अंडर द वाइसरॉयल्टी ऑफ विलिंगटन। सो वाइसरॉयल्टी ऑफ विलिंगटन के दौरान ये क्या बोलते हैं, सो ये सेकंड और थर्ड जो है ये अंडर द जब वाइसराय विलिंगटन थे, तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड और थर्ड हुई थी। सो टोटल 3 हुई हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सो पहली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, ये हुई थी इरविन के टाइम में 12 नवंबर 1930 में, टू ये साइमन कमीशन के, टू लीड द साइमन कमीशन, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी साइमन कमीशन रिलेटेड। सो और जो हमारी सेकंड और थर्ड हुई हैं, ये हुई हैं, इसका राइट आंसर है बोथ बी एंड सी। तो विलिंगटन के दौरान हुई थी सेकंड राउंड टेबल और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो सेकंड थी 1931 में गांधी आल्सो अटेंडेड दिस कॉन्फ्रेंस, और 17 नवंबर 1935 में हुई थी थर्ड। सो 1935 था। सो ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी ना, इसमें ये था कि डोंट ट्रीट गांधी ऑन इक्वल फुटिंग। सो विंस्टन चर्चिल जो थे उनके दौरान जो, सो गाइस इसका जो बैकग्राउंड है वो इस तरह है कि जो फर्स्ट और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ना, ये अटेंड नहीं करती है, INC अटेंड नहीं करती, इंटरनेशनल कांग्रेस अटेंड नहीं करती, लेकिन जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है इरविन के बोलने के कारण गांधी अटेंड करती है 17 सितंबर 1931 में। और इसमें क्या होता है कि वहाँ होते हैं विंस्टन चर्चिल, और वो विंस्टन चर्चिल क्या बोलते हैं कि डोंट ट्रीट गांधी ऑन इक्वल फुटिंग। सो फिर क्या होते हैं कि वहाँ से जब ये बोलते हैं कि डोंट ट्रीट गांधी एज इक्वल फुटिंग, तो गांधी उड़ जाते हैं और ये इंडिया वापस आकर सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। और जैसे स्टार्ट करते हैं, गांधी को अरेस्ट कर दिया जाता है और जरवाड़ा जेल पुणे में डाल दिया जाता है। सो जो फर्स्ट राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस थी, ये हुई थी टू लीड द साइमन कमीशन, और जो हमारी सेकंड आई अटेंड की थी INC ने इरविन के गलाने के मुताबिक। सो और थर्ड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, इसमें 1935 एक्ट आ गया था। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनल अवार्ड वाज क्रिएटेड ऑन, सो कम्युनल अवार्ड का क्रिएट किया गया। सो जो कम्युनल अवार्ड वाज क्रिएटेड ऑन 16 अगस्त 1932, इसमें क्या था कि जो ब्रिटिश ने सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लास बनाई, जैसे उन्होंने पहले मुस्लिम्स के लिए सेपरेट एक क्या बोलते इलेक्टोरेट क्लास बनाई थी, वैसे ही अब इनकी यही थी कि फोर डाउन होनी थी, डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स खेलते थे। सो इनका इन्होंने फिर ये डिप्रेस्ड क्लास में भी सेपरेट इलेक्टोरेट लाने का इन्होंने कोशिश की थी। तो ब्रिटिश PM तब थे आराम से मैकडोनल्ड, और गांधी जी तब थे जरवाड़ा जेल में। सो मैंने आपको बताया कि सितंबर 1931 में जो गांधी जी थे, इनको क्या बोलते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड में इन्होंने अटेंड की थी, और वहाँ विंस्टन चर्चिल ने बोला था कि डोंट ट्रीट गांधी ऑन इक्वल फुटिंग, तो इन्होंने वापस आकर सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट शुरू कर दी थी। तो 1931 में ये जो हुआ था, उन्हें अरेस्ट भी कर लिया गया था उसके बाद, तो जरवाड़ा जेल में थे। तो जरवाड़ा जेल से ही गांधी जी ने फास्टिंग करना शुरू कर दी थी, फास्टिंग अंटिल डेथ अपना ले लिया। तो उसी के चलते फिर BR अंबेडकर जी गांधी जी से मिले, और उनके बीच में होगी गांधी और BR अंबेडकर के बीच में एक पैक्ट साइन होता है पूना पैक्ट के नाम से 23 सितंबर 1932 में। और फिर ये क्या बोलते कम्युनल जो अवार्ड है क्या बोलते इसके अंतर्गत फिर ये मान जाते हैं कि हाँ भी नहीं हम सेपरेट होंगे, और फिर ये पुनः पैक्ट होता है तो कई सारी रिजर्वेशन वगैरह रेस्ट होती हैं और इनको रिजर्वेशन दी जाती हैं, तो फिर ये मसला शांत हो जाता है।